PLT Educare, there is this video session in which I am Rajiv Sharma, Science Teacher, Government Smart High School, Majara Kala Khurd, SBS Nagar, to very much welcome you. As this video, we continue to our mental ability and related questions. Today, what we are going to do is the English alphabets related questions. All these questions are asked in every competitive exam, whether it is NMSD, NTSC, or then some job related banks. या टीचर दे एबिलिटी दे टेस्ट हो गए, इस तो अलावा रेलवेज दे, इन्हां सारे ही कंपीटिटिव एग्जाम्स दे विच एहो जे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो एनएमएस दे विच तां पांच अंकां दे प्रश्न आंदे ही हैं। इस करके इस वीडियो नू टिल द एंड तुसी जरूर देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, साढ़े कोल जो क्वेश्चन है वह यह है कि अल्फाबैट्स नू अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी आपां सारयां देखी होएगी, कोई ना कोई वर्ड असीं जरूर सर्च किया होगा डिक्शनरी दे विच, उहदा मीनिंग सर्च किया होगा। सो प्यारे बच्चों, डिक्शनरी असी किवें खोलदे हां, उहदे विच वर्ड आपां किवें सर्च करदे हां, सिर्फ उसे ही एक्सपीरियंस नूं असी इत्थे यूटिलाइज करना है, कोई समस्या नहीं है इहदे विच। सब तों पहलां तुसीं की करना हैगा आ, देखो हरेक नूं रफ पेज पिछे मिलदा है आंसर शीट दे, तो तुसीं की करना, कच्ची पेंसिल रखनी है, सब तों पहलां तां ए बी सी डी लिख लेनी है अपनी, मतलब लैटर्स लिख लेने सारे। और इस गल्ल दा ध्यान रखना कि लैटर्स जिहड़े हैगे आ उह अद्धे अद्धे करके लिखने हैं, मतलब यह कि भी 13 लैटर्स जिहड़े आ इहदा इक लाइन च लिख लै, और अद बनता एम ते आके, उस तो बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी इस तरीके लिख लेने है। सो 14 तो इतों स्टार्ट करते हैं आप, तो 26 इतने जेड तक आ गए। सो यह साडा फर्स्ट स्टैप होएगा जे असीं इदां दे प्रश्न जिहड़े अटैम्प्ट करना चाहते हैं, अटैम्प्ट करना चाहते हैं प्रोपर वे दे विच, कोई गलती ना हो। हुण शुरू करते हैं। प्रश्न यह है कि इंग्लिश अल्फाबैट्स नूं अरेंजमेंट करना है डिक्शनरी के अनुसार, साडे कोल वर्ड्स दिते हुए है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई दिते गए वर्ड्स विचों फोर्थ प्लेस से केड़ा वर्ड आएगा, यह पूछा जा सकता है। साढ़े को जो वर्ड है वह है नेचर, नर्चर, न्यूमरस, नरेट ते नैरो। सारे ही वर्ड्स जोड़े है, इन्हों का फस्ट लैटर जोड़ा है वह एन है, कॉमन लैटर है एन। हुण इतना जो कॉमन फस्ट लैटर है उतो तो अभी फस्ट सैकेंड से गैस ही नहीं कर सकते कि फस्ट कि आएगा सैकेंड कि आएगा रैंक से। फिर से कर देंगे, फिर असं सैकेंड चकते हैं लैटर, इतने ए आ, इतने यू आ, यू ए ए। इसका मतलब यह होया कि जो फस्ट सैकेंड ते थर्ड प्लेस के लिए कंटेंडर्स केड़े केड़े ने, मेन कंपीटिटर्स केड़े केड़े ने, तीन ने, नेचर, नरेट ते नैरो। हजे इन्हां दोनों से भुल जाना है। हुण देखो नेचर दे विच एन ए एच वी एन ए है, एद विच वी एन ए है। हुण असीं थर्ड जिहड़ा लैटर है वह चकना है, थर्ड लैटर की इत्थे टी, इत्थे की है आर, इत्थे की है आर। इसका मतलब यह होया कि आर जिहड़ा है वह टी तो पहला आता है, आर एस टी है ना, आर पहला आता। इसका मतलब हुण फस्ट पोजिशन दे विच भी, फस्ट टू पोजिशन दे विच कंपीटिशन हो गया इन्हां दोवां दा, नरेट दा ते नैरो दा, इन्हां दोवां दा कंपीटिशन हो गया। हुण इन्हां दोवां दे विचों फस्ट पोजिशन ते कौन आएगा असीं उह देखणा हैगा आ। इतने एन ए आर, एन ए आर, फिर आर है फोर्थ प्लेस से, फिर फोर्थ प्लेस से आर है। सो इतने लगता है कॉमन चलते पे जी, बराबरी से चलते पे दोनों। हुण असीं फिफ्थ प्लेस से चलते हैं, ओ इतने की है ए। सो ए जरा ओ तो पहला आता है, इतने बाजी मार गया है, नरेट जरा फस्ट पोजिशन से आएगा। सो इसको नरेट में फस्ट पोजिशन लिख लें जी। असं सैकेंड पोजिशन साढ़े को गया नैरो, नैरो। थर्ड पोजिशन आ गया नेचर। लो जी फर्स्ट थ्री पोजिशन अपनी निकल आई हैं। हुण गल करते हैं फोर्थ ते फिफ्थ प्लेस की। फोर्थ फिफ्थ प्लेस लई साडे कोल कौन रह गए, नर्चर रह गया ते न्यूमरस रह गया, राइट। सो एन एन यू यू। हुण डिसीजन कौन करेगा, डिसीजन करेगी थर्ड पोजिशन से जो लैटर होगा, इत्थे का आर, इत्थे का एम, एम एन ओ पी क्यू आर। इत्थे एम पहला आ गया न्यूमरस का, सो न्यूमरस का जिहड़ा है ओह एम पहला आ गया, इसलिए यह आ गया फोर्थ प्लेस से, ते फिफ्थ प्लेस से साढ़े को आ गया नर्चर। सानू पूछा गया सीगा कि फोर्थ प्लेस से केड़ा वर्ड आएगा, सो फोर्थ प्लेस से वर्ड आएगा न्यूमरस। सो इस तरीके ना तुसी इसनू अटैम्प्ट कर सकते हो। साढ़े को जो वर्ड्स दिते हुए हैं वह हैं एग्री, एनोनिमस, एक्रीमोनियस, एंटीपैथी, आर्ग्यू। तो इन्हों भी असी अरेंज करना है,
सब तो पहला केड़ा वर्ड आएगा, फिर उस तो बाद केड़ा आएगा, फिर उस तो बाद केड़ा आएगा, फिर उस तो बाद केड़ा आएगा। इक्वली सी अरेंजमेंट कर लिया, उस तो बाद क्वेश्चन विच पूछा जा सकता है कि तीन नंबर ते केड़ा आएगा या लास्ट तो सेकंड नंबर ते केड़ा होएगा, तो वो असी बाद ही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन पहला असी इस नु अरेंज करना पैना सानू, राइट। सो देखो ए तो स्टार्ट होंगे सारे, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट जड़ा है असी अल्फाबैट देखते हैं, लैटर है जी एन सी एन आर। हुण इन्हां सारिआं चों सब तो पहला कि आता है सी आता है, जी तो भी पहला सी आता है, इसका मतलब फस्ट प्लेस तो इन्हें ले ली हैगी। सो एक्रीमोनियस जी हैगी फस्ट प्लेस से आ गया जी, एक्रीमोनियस। सैकेंड प्लेस के लिए हुण इहनूं आपां स्किप कर दिता, सैकेंड प्लेस के लिए देखो इत्थे जी है, इत्थे एन है, इत्थे आर है, इत्थे एन है, इसका मतलब ये की होया जी जी जरा है या, देखो आ जी है ये एन तो पहला आंदा है, ये एन तो पहला आंदा है, ये आर तो भी पहला आंदा है, सो इसलिए सेकंड प्लेस ले ली हैगी है जी ने, एग्री ने। थर्ड प्लेस की गल करते हैं, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस हूँ थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस दे ली एन जे एन वाले है साढ़े को दो आ गए एन वाले एनोनिमस ते एंटीपैथी, तो इसका मतलब यह होया कि इन्हें दोवों के बीच कंपीटिशन हो गया है किस पोजिशन लिए, थर्ड पोजिशन के लिए ए एन ए एन। हुण असीं थर्ड जिहड़ी पोजिशन ते लैटर पिया है उन्हें दोवों का कंपेरिजन करना है, इतने ओ आ इतने टी आ। देखो ओ जिहड़ा हैगा आ ओ पहला आंदा आ, टी पहला आंदा, ओ वाला पहला आंदा हैगा आ, सो ओ कित्थे किहड़ा सीगा आ वाला एनोनिमस, सो थर्ड प्लेस आ गई है जी एनोनिमस नूं। हुण फोर्थ प्लेस की गल करते हैं, फोर्थ प्लेस से एंटीपैथी, फिफ्थ प्लेस साढ़े को आ गई है आरग्यू की। सो इस प्रकार जे तो उन्हें पूछा सानू कि भाई इन्हों डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज कर दो, तो असं अरेंज कर देंगे। जो उन्हें पूछा कि डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने तो बाद लास्ट तो सैकेंड नंबर पर किहड़ा आया, लास्ट तो सैकेंड नंबर पर मतलब आर्ग्यू फस्ट नंबर पर लास्ट तो सैकेंड नंबर पर एंटीपैथी, तो असं इस टिक ला देंगे। जो उसने पूछ लिया कि थर्ड प्लेस से किहड़ा आता है, थर्ड प्लेस से फिर असं एनोनिमस में पिक कर देंगे। सो इस तरीके कई क्वेश्चन बन जाते हैं इदा दे एक प्रश्न के विचों ही, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन जो साढ़े को है वो ये है कि भी इसे तरीके असी इसनों भी अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी पैटर्न। सारे ही वर्ड्स इस तो स्टार्ट होंगे, इसलिए असी सैकेंड लैटर लें, इतने यू है, सी है, ई है, यू एल, तो सब तो नेड़े जिहड़ा है लैटर साढ़े को सी लैटर जिहड़ा सब तो पहला आता है। सो इस तो बाद सी जो आप जब देखते हैं तो वह साढ़े को पहला आता है, सो स्क्रिप्ट जिहड़ा है ये वर्ड फर्स्ट पोजिशन पर आ रहा है साढ़े को, सो इसमें लिख लिया स्क्रिप्ट। सैकेंड पोजिशन के लिए हम सैकेंड पोजिशन की आप देख रहे हैं सी तो बाद देखो इतने साढ़े को ई आ रहा है, सी ए बी सी डी ई ई है ना, ई यू तो भी पहला आंदा आ, एल तो भी पहला आंदा आ, तो एस यू तो भी पहला आंदा आ, सो सैकेंड प्लेस से साढ़े को आ गया सीजन। उस तो बाद साढ़े को थर्ड प्लेस से साढ़े को थर्ड प्लेस से किहड़ा आया जी, सीजन भी हो गया। उस तो बाद थर्ड प्लेस के लिए असी देखो सन्डरी सरेंडर ते स्लाइट, इन तिना के विचों असी सिलेक्ट करना हैगा कि थर्ड पोजिशन से कौन आएगा। सो देखो यू जड़ा है वह एल तो पहला है या बाद च है, यू तो बहुत बाद च आता है या आ रहा, तो इसका मतलब हूँ कंपीटिशन किस होया किसी नहीं होया, स्लाइट ही आ गया तीजे नंबर से, सो तीसरे नंबर से स्लाइट। जे क्वेश्चन पूछा होता तीजे नंबर से कहना आना, तुहाड़ा आंसर इतने निकल गया, अगे चेक करने की लोड़ ही नहीं सी, ठीक है। सो हूँ गल करते हैं सिलेंडर की, सिलेंडर रह गया साढ़े को सिलेंडर ही रह गया, इतने यू इतने यू इतने एन है इतने आर है, सो आर जिहड़ा बाद च आंदा आ, इसका मतलब सन्डरी जिहड़ा हैगा चौथे नंबर पर आएगा, चौथे नंबर पर सन्डरी।
पंजे नंबर से आएगा जी, कड़ा आएगा पंजे नंबर से सरेंडर। सो हुण इहदे चों प्रश्न निकल के आ सकते हैं कि भी किहड़ा दूए ते होएगा, किहड़ा तीजे स्थान ते होएगा, या अखीर तो चौथे स्थान ते किहड़ा होएगा। अखीर तो चौथे स्थान ते, मान लो प्रश्न आ गया अखीर तो चौथे स्थान ते किहड़ा होएगा, अखीर तो ध्यान रखियो इस गल का, एक दो तीन ते चार। सो अखीर तो चौथे स्थान ते होएगा सीजन, इत्थे साडा उत्तर आ गया सीजन। सो इस तरीके नाल तुसीं बहुत ईजीली इस नूं कर सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वह यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला विच सज्जे पासों चौदहवें अखर के खब्बे पासे सतवां अखर केड़ा होगा। पहले एक बार मैं फिर तुम दस रहा कि भी तुसी अल्फाबैट्स जरूर लिख लेने हैं, देखने सौखा लगेगा लेकिन उस टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा। जिदा ही तुम इदा के इस प्रश्न करने हैगी अटेंड, तो कच्ची पेंसिल नाल इस तरीके नाल ए बी सी डी जरूर लिख लेनी हैगी है, कुछ टाइम नहीं लगना है, मैक्सीम तो मैक्सीम तुम्हें एक तो डेढ़ मिनट लगेगा, ठीक है। सो इतने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला सज्जे पासों चौदहवें अखर के खब्बे पासे, देखो जो असं उस पढ़ना है खब्बा पासा कि आया ए बी सी डी, ये तो सज्जे वालों आ रहे हैं, ठीक है जी, ये सज्जे वालों आ रहे हैं, ए तो स्टार्ट के ए खब्बा पासा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जी जो जैड है सज्जे हद तक आ गया अपने को। सो इन्होंने पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला सज्जे पासों चौदहवें स्थान पर, सज्जे पासों चौदहवें स्थान पर अखर के खब्बे पासे, सो जरा चौदवा स्थान है, मतलब असं जैड तो शुरू करा, ठीक है ना, जेड राइट राइट हैंड से आता ना। सो चौदहवें स्थान से एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदहवें स्थान से साढ़े को आया एम, ठीक है जी, दे खब्बे पासे सतवां अखर केड़ा होएगा। हुण इहदे खब्बे पासे केड़ा होया इधरला पासा सतवां, एक दो तीन चार पांच छे सात, तो साडा आंसर होएगा एफ, ठीक है। सो नैक्सट साढ़े को है क्वेश्चन नंबर फाइव, अंग्रेजी वर्णमाला विच खब्बे पासों पंद्रहवें अखर दे सज्जे पासे सतवां अखर केड़ा होवेगा। सेम उसी तरीके दे नाल खब्बे पासों ए तो स्टार्ट करांगे, खब्बे पासों पंद्रहवें अखर दे, खब्बे पासे पंद्रहवां अखर केड़ा आंदा ओ, दे सज्जे पासे सतवां। हुण इहदे सज्जे पासे ओ दा जिहड़ा सज्जा पासा केड़ा होवेगा, जेड वल नूं जावांगे असीं, किन्ने सतवां, एक दो तीन चार पांच छे सात, तो साढ़े को उत्तर आया वी। सो बहुत ही ईजी प्रश्न ने, सिर्फ एक पैटर्न समझने की जरूरत हैगी है, सिर्फ टैक्नीक जी है जो थोड़े समझ आ गई, तुम यह क्वेश्चन बहुत ईजीली कर सकते हैं। बस मैं तुम्हें यही हिदायत है कि पहला अल्फाबैट्स जो लैटर्स है वह जरूर तरतीब वाइज लिख लियो, ठीक है, और लिखने भी इस तरीके हैं, हाफ थर्टीन आ गया, उस तो बाद फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सैवनटीन एटीन नाइनटीन, क्योंकि अगे होर मैं तुम्हें सवाल कराने हैं जिथे कि तुम्हें यदा लॉजिक पता लगेगा कि मैं इस तरीके क्यों लिखा है, ठीक है ना। ओके सो अज इस क्वेश्चन के नाल ही अज का यह सैशन इतने खत्म होता है, फिर मिलेंगे एक होर नवे सैशन के एक होर नवे मैंटलबिलिटी रिलेटिड क्वेश्चन के नाल। टिल दैन आई मेरी शुभकामनाएं तुहाडे नाल हन, सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू, राइट। सो तुसीं पूरी मेहनत करनी हैगी है कंपटीशन दे विच अपने आप नूं पूरी तरह तैयार करके उत्थे अपीयर होना है, सो डैट कि तुसी एनएमएस जरूर क्रैक करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।